तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। चाचा जी ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। रविवार को हरियाणा इनेलो प्रमुख नफी सिंह राठी और एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नफी सिंह राठी की हत्या पर उनके बेटे जितेंद्र राठी की भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने पुलिस की तरफ से कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही है। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3:30 बजे के बाद। FIR दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। FIR में जो जो नाम है और जो आरोपी गण है जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो, ये इंतजार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के कार्रवाई से आप खुश नहीं? पुलिस की कार्रवाई हुई कहाँ है? चौटाला ये बताया कि ये 6 महीना पहले से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद भी नहीं दिया गया। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से ये डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जा रही थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बाधवगढ़ से हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे।